नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। बीते दिनों हल्द्वानी में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के आवास में हुए रहस्यमय धमाके के बाद अब कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री बालम सिंह बिष्ट के हल्दू चौड़ के आवास में दो तेज धमाके होने का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। तो क्या है ये पूरी घटना, लीजिए आप भी देखिए। इन दिनों हल्द्वानी शहर धमाकों का गढ़ बना हुआ है। दरअसल बीते दिनों भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के घर पर हुए धमाके की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं थी कि एक और धमाका कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री बालम सिंह बिष्ट के घर पर हो गया। पूर्व राज्य मंत्री बालम सिंह बिष्ट ने बताया कि घर की दूसरी मंजिल के गुम्बद में जोरदार धमाका हुआ, जिससे घर के खिड़की और दरवाजों के शीशे टूट गए, साथ ही दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इससे किसी भी तरह का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है और घटना की सूचना मिलने के बाद एसएसपी एसपीसीटी के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहीं फोरेंसिक टीम के साथ ही डॉग स्क्वाड और बीडीएस की टीम को बुलाकर भी जांच की गई। इस दौरान धमाके से जहां खिड़की के अलावा दीवारों को भी नुकसान पहुँचा है, तो वहीं घर के लोग दहशत में हैं। हालांकि अभी तक धमाका कैसे हुआ ये साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन परिजनों के मुताबिक जिस समय धमाका हुआ उस समय मौसम साफ था और बारिश भी नहीं हो रही थी। छत के अगले अलग हिस्सों में तीन धमाके हुए, जिसके बाद सभी सदस्य घर से बाहर निकल गए। धमाके के बाद घर की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं एसपीसीटी जगदीश चंद्र का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। उनका कहना है कि आकाशीय बिजली से भी ये धमाके हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरी जाँच में जुटा हुआ है। तो आप आए हैं, स्पॉट पर आए हैं, आपने सब कुछ देखा है कि ऐसा है कि जैसे छर्रे जैसे एक जगह बिजली गिरती तो सीधे नीचे को आती ना, ये चारों ओर इसने ऐसे फैली है कि जैसे कोई छर्रे या कोई चीज़ फटी हो, कोई चीज़ गैस बाहर को निकली हो या उसने अपनी जगह बनाने के लिए बाहर निकलने के लिए जगह बनाई हो। आपने देखा तो ऐसे स्पॉट हो रहे हैं कि जैसे ईंटें हमारी कूटी है, है नी, इस एक इस कोने की कूटी थी, उस कोने की एक, उस कोने की उस कोने की, ऐसा है कि बिजली गिरी होगी, मौसम साफ है ऐसे। अब ये आप बताएं, मैं तो हल्द्वानी था, मैं तो यहाँ था नहीं, लेकिन है अब जांच कीजिए, इसमें देखिए, आप देख लीजिए इसमें जो चीज हुई है, ये तो अब कहने की बाकी बात है, ये तो प्रत्यक्ष है। जब घर पे वाला नहीं थे, उनके परिजन घर के अंदर थे, एक जोरदार धमाका हुआ जैसा कि उन्होंने बताया है, और इस धमाके से घर के कुछ जगहों पे सीमेंट उखड़ गया है, कुछ जगहों पे गड्ढे हुए हैं, और घर के सभी लोग सुरक्षित हैं। जो कारण है उसको पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। पुलिस की जो टीम है, बीडीएस टीम और फॉरेंसिक टीम, वो मौके पे पहुंच गई है। प्रथम दृष्टया ये मामला आकाशीय बिजली गिरने का लग रहा है, लेकिन बात जांच जो हमारी बीडीएस टीम और फॉरेंसिक टीम है, उनकी जांच के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी कि ये धमाका कैसे हुआ है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।